शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मीना, मीना उठो, सुबह हो गई है। फिर से ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है आज। मीना उठो ना। उदय, आज थोड़ा लेट चले जाओ ना। मैं रोज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार, प्लीज उठ जाओ। प्लीज उदय, आओ ना। मीना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज सोचते रहती है क्या? मीना प्लीज यार। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि सारे मर्दों की यही शिकायत होती कि उनकी पत्नियां उन्हें हाथ नहीं लगाने देती, और एक मैं हूं। यार, हर चीज की एक हद होती है, दिन रात एक ही चीज चलती रहती है तुम्हारे दिमाग में। ये भूखी शेरनी बिना शिकार के नहीं माने। अरे मीना जल्दी करो यार, 5 मिनट में निकलना मुझे। उदय, आज मत जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे तुम्हें तो 24 घंटे मेरी जरूरत रहती है, तो क्या घर पे बैठ जाऊं तुम्हारे साथ? हाँ तो क्या हुआ, पति हो तुम हमारे, और मेरा तुम पर पूरा हक है। फालतू बातें मत किया करो। बोल रहा हूँ लेट हो रहा हूँ। अच्छा नाश्ता कर लिया? और टिफिन ले लिया मैंने। नंदिनी के खून के जुर्म में नेहा और श्रीधर को जेल हो गई। ना तो डॉक्टर श्रीधर अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर पाए, और ना ही नेहा को। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ,
क्या चाहिए आपको जी? भाई कहने का मतलब कि थोड़ी चीनी चाहिए थी। भाई साहब आपको चीनी की नहीं, कुछ मसाले की जरूरत है। एक काम कीजिए, जाइए पहले सोच लीजिए क्या चाहिए, चीनी या मसाला। ये राजू तो पीछे ही पड़ गया, आज इसके अफल ठिकाने लगाती। हमने कहा ना चीनी। क्या हुआ भाभी? किसे अड़का रही? अरे कुछ नहीं, वो हमारा एक पड़ोसी है, कुछ ना कुछ मांगने जरूर आ जाता है। तुम ये सब छोड़ो, अंदर आओ। वैसे कैसे आना हुआ? वो मेरे एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक इंटरव्यू है, उसके लिए आया मैं। अच्छा, किस चीज का? मैंने आईटी की पढ़ाई की है ना। ओह, अरे वाह, तुम तो बड़े काबिल हो गए। काबिलियत से आजकल कहाँ काम मिलता। अच्छा, वैसे तुम कुछ बता रहे थे ना? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ दिनों पहले आ गया हूँ, सोचा यहाँ रहकर तैयारी कर लूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अब ये थैंक्स वैंक्स बोलकर शर्मिंदा मत कर। अच्छा तू ये सब छोड़ो, जाओ फटाफट नहा लो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कड़क मसालेदार चाय बनाती हूँ। गुड आइडिया। गर्मा गर्म चाय तैयार है। भाभी जरा एक शर्ट डालो। अरे रहने दो ना, वैसे भी इतनी अच्छी बॉडी तुमने शर्ट में छुपाने के लिए थोड़ी ना बनाई। थैंक यू। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्या इतने हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है? जी नहीं। अच्छा, पक्का होगी पुरानी कभी होगी है ना, पर ब्रेकअप हो गया? नहीं, ऐसा ऐसे थी नहीं कभी। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो मेरा मतलब ये था कि देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हो ना, और मैं एक लड़की तो हो गई ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अभी आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी औरत को टच किया? तुम एकदम। अरे हम मजाक कर रहे थे तुमसे, तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पागल। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़ी और मेहनत कर लो, बिजली विभाग में जॉब लग जाएगी तुम्हारी। सरकारी नौकरी में ऐश करोगे? मुझे सरकारी नौकरी वाली बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी में लगना चाहता हूँ। ये सब कुछ दिन के शौक होते हैं, बता रहा हूँ। अरे आप तो बिल्कुल ही बोरिंग है,
और ऊपर से आप चाहते हैं कि सब आपके जैसे बन जाए। अरे जरूरी नहीं कि हर बात मेरी काटना जरूरी है तुम्हें। जरूरी ये भी नहीं कि तुम देवा जी का उत्साह ही खत्म कर दो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। यहाँ खड़ी क्या हो, रोटी ले आओ ना। रोटी खत्म हो गई। वैसे कितने दिन रुकने वाले हो? भारत ने बात इंटरव्यू है मेरा दरअसल, और एक मेरा कंपनी का दोस्त रहता है यहाँ पे, तो सोचा उसके साथ मिलके तैयारी वारी कर लूंगा। इतनी अच्छी सेहत है तुम्हारी, इतनी अच्छी बॉडी बनाई, एक रोटी तो खानी ही पड़ेगी। अरे ये क्या, तुम्हारी तो दाल खत्म हो गई। मैं लेकर आती हूँ। वैसे ये तुम्हारी कंपनी किधर है? शांति चौक। अरे ये तो यहाँ से बहुत दूर है ना। हाँ। तो एक काम करो, वहाँ आसपास कोई हॉस्टल देख लो, वहीं रहो। अभी तुम्हारा ये टाइम भी बचे और पैसा भी, समझ रहे हो? ठीक है भैया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई हॉस्टल में रहेगा, और तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि मेरे कहने पर तुमने सुमित को घर से निकाल दिया। और सुमित, तुम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आओगे, तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हम तुम्हारा पास बनवा देंगे। ठीक है भाभी। क्यों, अब तो ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू भाभी। खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है।